अस्सलाम वालेकुम एंड हैप्पी इंडिपेंडेंस। अल्लाह मियाँ इसी तरह हमारे मुल्क को हज़ारों करोड़ों साल तक कायम उदायम रखे। तो जी 14 अगस्त है आज। मैं आपके लिए सब फिल्म कर रही हूँ और लेकिन मैं इसे अपलोड करूँगी 15 अगस्त को। तो इंशाल्लाह ताला मैं आपको दिखाऊँगी कुछ कुछ, नॉट एग्जैक्टली कि मैं सब कुछ नहीं शायद कवर कर पाऊँ, कि मेरे एरिया को किस तरह से डिकोर किया गया और किस तरह से एक छोटा सा हिस्सा मैं उसमें दिखाऊंगी कि हम लोगों ने किस तरह सेलिब्रेट किया जश्न आज़ादी को और 14 अगस्त को। तो पहले करते थे, ख़ुद जब बच्चे थे तो बहुत कुछ करते थे। हमारे बचपन में तो है ज़रा थोड़ा डिफरेंट होता था 14 अगस्त का। बिल्कुल हम लोगों ने झंडियाँ बनानी और वो तो बाद में आई थी, जो बनी बनाई हमें मिलना शुरू हो गई थी, लेकिन उससे पहले ख़ुद से बनानी और डिफरेंट पोस्टर्स लगाने और सॉन्ग्स लगाने, जश्न आज़ादी के गाने लगाने और एक पूरी एक आसपास के आस पड़ोस के बच्चों ने, सब ने इकट्ठे होके करना, कज़न्स ने इकट्ठे हो जाना, तो एक वो बहुत ही एक ज़बरदस्त रहता था। तो अब आजकल के बच्चों का ज़रा थोड़ा डिफरेंट तरीके से होता है। अच्छा होता हमारे साथ भी ऐसी था कि हम लोग शाम में, हमारे भी पेरेंट्स हमें लेके जाते थे, हमें लाइट्स दिखाते थे कि जी किस तरह से डिकोर हुआ हुआ है, और कुछ उसी तरह से है कि हम भी अब अपने बच्चों को लेके जाते हैं और दिखाते हैं। और उसके साथ साथ अब आप ये सारे देख रहे हैं मोटरसाइकिलिस्ट, ये मैं आपको इसलिए दिखा रही हूँ कि मेरे सामने 3 मोटरसाइकिल्स वालों का एक्सीडेंट हुआ। तो खुशी तो सबको है, आप ज़रूर खुश हो, लेकिन इस तरह से खुश हो कि आपके घर वाले भी पीछे खुश रहें भाई। लाइक 3 लोगों को लिटरली मैंने जब मैं फिर रही थी यहाँ पे, तो मैंने खुद देखा 3 मोटरबाइक्स का एक्सीडेंट। और अल्लाह माफ़ करे, बस एक तो बीच में बहुत ही ज़्यादा सीरियस वाला देखा। तो खुशी मनानी चाहिए, लेकिन ज़रा थोड़ा सा अपने जज्बात को काबू करके कि हम हमेशा कुछ साल हर साल खुशियां मना सकें। जी तो इससे पहले बात हो रही थी लाइटें देखने की, वो हो गया ना वही वाली बात कि जी गांव से आए हैं बत्तियां देखने, तो जी बत्तियां ही देखते थे हम लोग। लाइक के ये बत्तियां ही देखनी है ना 14 अगस्त को या इस तरह के ओकेजन्स को, में आपने बाहर निकल के जब आप लोग फिरते हैं और देखते हैं कि डिकोर किस तरह से किया गया है, तो वो क्या होता है, वो लाइटिंग से ही डिकोर किया गया होता है और वो बत्तियां ही होती हैं भाई, जो सारे पेंडू हम लोग सारे गांव से आते हैं देखने। ठीक है जी, तो मुझे भी आप उसी कैटेगरी में डाल लें। और तो जी मैं देख रही हूँ यहाँ पर बत्तियाँ और लाइटें, और उसमें अच्छा यहाँ पर इन बत्तियों के साथ साथ अब एक सीन था कि यहाँ पे था जगह जगह, हम एक हफ्ते से देख रहे थे कि एडवर्टाइज़ किया गया था कि जो DHA ऑफिस है अब वहाँ पे होगा फायरवर्क, और फायरवर्क का टाइम भी उन्होंने मेंशन किया हुआ था 9:30। और वो इतना ज़्यादा मतलब कि वो कुछ दिनों से लगा हुआ था और वो काफ़ी एडवर्टाइज़ हो गया और सब लोगों को पता था कि जी ये DHA का ऑफिस भी आपको नज़र आ रहा होगा राइट साइड पे, तो बस यही हमारी मंजिल है, इसी साइड पे हम लोग जा रहे हैं। और हम लोग अल्लाह का शुक्र है काफ़ी टाइम पे, काफ़ी जल्दी निकल आए, मतलब 9:30 का टाइम था कि वहाँ फायरवर्क होना था और हम लोग 8 बजे यहाँ पर मौजूद थे। और ये बिल्कुल लाइक सॉरी मैं क्या फंबल कर रही हूँ, लेकिन ये कि ये अल्फता है और अल्फता के आगे हम जिस टाइम पे पहुँचे आपके सामने जगह नज़र आ रही है, और हमें बड़े आराम से अच्छी पार्किंग मिल गई है। और इसके बिल्कुल ऑपोजिट साइड पे DHA का ऑफिस है और यहाँ पर आप देख रहे हैं हमारी पारी होने लगी है। लाइक ज़ाहिर है अब हम लोग इतनी देर से बैठे हुए थे तो हमें भूख लग गई, तो यहीं अल्फता से कुछ सैंडविच और कोल्ड ड्रिंक्स ले ली। कि फायरवर्क का जो टाइम था, जो अनाउंस जो पहले से बताया गया था, वो था 9:30, लेकिन ये देखें जी ये जो फायरवर्क स्टार्ट हुआ है ये कोई 10 बजे स्टार्ट हुआ था, और मतलब हुआ बड़े स्लोली स्टार्ट था, लेकिन आप आगे आगे देखिएगा ये इतना खूबसूरत फायरवर्क किया गया है और ये इतना ज़बरदस्त था कि अब कुछ थोड़ी देर में तो जब मैं इसको सबको फिल्म कर रही थी तो बिल्कुल लग रहा था कि मेरे सर के ऊपर होना स्टार्ट हो गया। लाइक बिल्कुल गरीब आके और मेरी गाड़ी की जो छत थी वो पूरी उससे जो ऐश होती है, राख होती है, वो उससे सबसे भर गया था सारा कुछ। और बल्कि आपके लिए फिल्म करते करते बिल्कुल मैं ऊपर की तरफ देख रही थी और मेरी आँख में भी चला गया, तो वो भी एक थोड़ा सा हो गया था। खैर जी,
फायरवर्क आप देखें बहुत खूबसूरत था, और यहाँ पे क्राउड भी माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह इतना रश था, लेकिन एक सिविलाइज्ड लाइक कहना चाहिए कि एक अच्छे सिविलाइज्ड लोग थे, हर तरह की कैटेगरी थी, मतलब सब लोग थे, लेकिन एक बड़े मुनज़्ज़म तरीके से। हालांकि रिंग रोड तक पता नहीं मीलों मील तक ही ट्रैफिक ब्लॉक था, और कहीं दूर तक लोग देख रहे थे। आप देखें मुझे तो है बिल्कुल, हमें बिल्कुल सामने जगह मिली थी वो, कुछ हम लोग थोड़ा जल्दी आ गए थे तो शायद इस वजह से, लेकिन ये कि 15 मिनट का फायरवर्क था जिसके लिए हमने एक घंटा वेट किया, लेकिन ये उसकी वर्थ थी कि लाइक वो एक सही हमने वो टाइम स्पेंड किया कि बड़ा अच्छा है, अच्छा रहा, मज़ा रहा। तो लास्ट ईयर था कि हम लोग बहरिया गए थे, उसका भी फायरवर्क बहुत अच्छा होता है। तो इस साल हमारे यहाँ पे था, बल्कि पिछले 2 सालों से DHA ने किसी व्यक्ति जगह पर फायरवर्क का ये हो चुका है कि न्यू ईयर नाइट पे या 14 अगस्त पे फायरवर्क होता है, और एक ह्यूज ह्यूज क्राउड इकट्ठा हो जाता है। तो है ये आप देखते हैं, लोग बच्चे छतों पर बैठे हुए हैं, लोग बाहर निकले हुए हैं, और इतना मैंने जो देखा ज़्यादा ये बहुत ज़्यादा कपड़े थे वो वाइट एंड ग्रीन पहने गए, लाइक औरतों को मैंने देखा कि मोस्टली औरतें थी जो सब वाइट शलवार कमीज में और विद ग्रीन दुपट्टा, और आदमियों में भी मैंने ऐसे देखा, बच्चों को मैंने देखा। तो माशाल्लाह माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, जिस तरह से हम लोग सोचते हैं कि हमारी जनरेशन को या अब हम लोगों में वो चीज़ ख़त्म होती जा रही है, या जी पहले वाले बहुत अच्छे थे वो, कोई बहुत ही कोई सुपर जनरेशन थी, और अब बिल्कुल ही उन्हें पता ही नहीं है अपने मुल्क का, अपनी वैल्यूज़ का, अपनी डिफरेंट इन सारी इकतदार का, तो इकतदार्स का, इकतदार तो एक डिफरेंट मीनिंग्स हो जाते हैं ना, इकतदार्स का, हाँ इकतदार्स का। तो जी लेकिन ये कि नहीं जी, हमारे अभी भी बच्चे बूढ़े जवान अभी भी वैसे ही अपने मुल्क से प्यार करते हैं, और बस एक थोड़ा सा एक बहाने की तलाश होती है और हम लोग सब इकट्ठे हो जाते हैं। अब यहाँ पर मुझे लग रहा था कि ये बिल्कुल मेरे सर पर आ रहा है, मतलब बिल्कुल आपने देखा वो जैसे जैसे टाइम गुजर रहा था वो बिल्कुल करीब करते जा रहे थे, और बिल्कुल नीचे की तरफ फायरवर्क होना स्टार्ट हो गया था। लेकिन आपने जाना कहीं नहीं है, क्योंकि जैसे जैसे टाइम गुजरेगा ये फायरवर्क बहुत खूबसूरत और बहुत ज़्यादा होना स्टार्ट हो जाएगा। Thank you.
जी, तो आज भी मैंने कोशिश की कि मैं इसके ओरिजिनल साउंड्स म्यूट ना करूं और आप भी उसी तरह से इंजॉय कर सकें जिस तरह से उस मोमेंट में मैं इंजॉय कर रही थी। तो आई होप कि आज फायरवर्क को उसकी ओरिजिनल आवाज़ों के साथ आपने भी इंजॉय किया होगा। बीच में हमारे भी छोटे छोटे चंक्स आ रहे थे, लेकिन उसको इग्नोर कीजिएगा और स्टे ट्यून्ड क्योंकि ट्रैवलिंग व्लॉग्स अभी आ रहे हैं। खुदा हाफिज़।